गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ नंदनी। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 12:19। सो गाइज हम लोग अभी थे आगरा थे, रानी क्या थे, क्या नाम है इसका मैं नहीं जानती। तो गाइज मम्मी का है एग्ज़ाम, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है बीएड के। सो मम्मी को बनानी थी फाइल, उन्होंने पहले बनाई नहीं, अब बना रही है बैठ के। कंप्लीट तो हो चुका है, बस कवर पेज बचा है। अब देखो रानी जी बैठ के रात को कवर पेज बनाती हुई, एंड ये इतनी मतलब पूरा बेड आप देखो, ये मेरे तो चाचू हैं, ये देखो पूरा कवर, पूरा बेड ना इसी इसी चीज़ से भरा हुआ है, वो देखो उधर दूर दूर तक। मेरे को और चाचू को मम्मी ने रात के 12 काम पे लगा रखा है। खैर चाचू का तो, चाचू ने तो खैर कुछ भी नहीं करा, हमको जीरो मार्क्स मिलेगी। चाचू ने तो खैर कुछ भी नहीं करा, सब कुछ काम मैंने ही करा है। सच में नहीं, मजाक नहीं करे, सब कुछ काम मैंने ही करा है। और वैसे मैंने कुछ करा नहीं है, मैंने बस कवर पेज में ना कुछ भी नहीं करा, बस कवर पे थोड़ा सा बनाने में हेल्प करी, बस मजाक कर रही हूँ पूरा अंदर कर। चलो सो गाइस आज तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। हम लोग वैसे भी ट्रैवल करके आए थे, और कितने बजे आए थे हम लोग, 9:30 थे, 10 पहुंचे हम लोग यहाँ पे 4:30। एंड गाइस फिर कल, आज तो हमने कुछ नहीं करा, 4:30 आके मम्मी अपने काम में लग गई थी, एंड हमने आज खाई चाउमीन। सो अरे छोड़ो ना, तो गाइस क्या है ना, सो गाइस क्या है ना, कल हम लोग जाएंगे कहीं घूमने भी, तो कल हम लोग जब घूमने के लिए जाएंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको व्लॉग दिखाऊंगी, वो तो बस इंस्टाग्राम आप लोगों के कहने के लिए। बाय, कल मिलते हैं सुबेरे। 12:35 हो गए गाइस, सच में ना बहुत जोर की नींद आ रही है। चलो फिर, ठंड भी हो रखी है ना यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ना, तो नींद आ रही है। मम्मी अभी भी काम पे लगी हुई, सच में बहुत जोर की नींद आ रही है। टीवी भी नहीं खोल सकते हैं ना अभी, क्योंकि अगर टीवी खोला तो 12 रात के, सो नहीं पाएगा कोई बेचारा। ये देखो यहाँ पे भी है 1+ का टीवी, खोलने का तो मन कर रहा है, क्या करूँ यार, नींद आ रही है, लेकिन सब लोग सो गए हैं। गाइस 12:44 हो रहे हैं, एंड हम लोग सोने के लिए लेट गए हैं मम्मी और मैं। प्रिया नहीं आई है गाइस, तो अभी मैं सो रही हूँ यार, प्रिया की याद आ रही है मेरे को। चलो कोई नहीं यार, वो है नहीं तो सोना तो पड़ेगा, नींद बहुत जोर की आ रही है। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं, बाय। 9:48 हो गए हैं, मैं जग गई हूँ, जब भी घूमने जाएंगे तो आपको दिखा देंगे, बाय। अभी बज रहे हैं 3:18, हम लोग शाम को जाएंगे और कुछ शॉपिंग भी करेंगे, सो ठीक है। अरे मेरी चाप आई जी, मेरे से फोन चढ़ा रही गाइस, नहीं दिखाऊंगी, चल हट। हाँ सो गाइस बज रहे हैं 4:02, अभी तक हम लोग घूमने के लिए नहीं निकले हैं, चिंता ना करो गाइस। ये देखो ये यामी रील देखी होंगी इंस्टाग्राम में मेरे से, हम रात को जा रहे हैं घूमने। हाँ हम लोग घूमने जा रहे हैं रात को गाइस, और हम रात को पेटीज लेके आएंगे। तो आपको ब्लॉग तो दिख ही जाएगा, ये एक बड़ी प्योरी सी बच्चे, हम लेके आएंगे, कुछ भी लेकर आ जाएंगे, मुझे अपने फोन का कवर भी लेना है। तो गाइस चलो मिलते हैं तब, जो हम लोगों को निकलना होगा। गाइस फाइनल मैं तैयार हो रही हूँ, उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। मैंने बस गाइस अभी अपने कपड़े चेंज करे हैं, अभी मैं अपने बाल बना रही हूँ। क्रीम लगवा लो बाल्टी। चाचू ये चलेंगे हमारे साथ, दादू चलेंगे हमारे साथ, हम लोग निकल रहे हैं, चलो हमारे दादू हमारे साथ है। मास्क वैसे है ना, ऐसे ये ऐसी जगह है एक सोसाइटी जिसमें ना मास्क की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। अरे ट्रेन में नहीं जा रहे रामी, ये देखो यामी, हाय। और बाबा अभी कितने लेने गए हैं, पता नहीं क्या देने गए दादू। देखो पूरी रोड इतनी शांत शांत है, ये देखो बिल्कुल अंधेरा, मतलब बिल्कुल ही खाली रोड है।
मैं अपने फोन को कवर लूंगी और गोलगप्पे वोलगप्पे खाएंगे जो अच्छा लगेगा वो देखेंगे। हम लोग तो अभी ऐसे ही घूमने आए हैं, कोई शॉप पे जा रहे हैं। अरे सो गाइस अभी हम लोग कवर खरीदेंगे, कवर खरीदने के लिए आए हैं। दादू आस पास कोई भी शॉप नहीं है जहाँ पे हमारे वन प्लस का वो मिले कवर। यहाँ जा रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। ये है दादू का कॉलेज, चलो इधर घूम के आते हैं, देखते हैं कितना बड़ा है कॉलेज दादू का। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम लें, उसके बाद जब प्रिया के लिए ना कुछ तो गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रिया जो है जान खा जाएगी कि मुझे नहीं लेकर आए, मुझे नहीं लेकर आए, मुझे नहीं लेकर आए। इसलिए चलो फिर आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बाकी सब, क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, घूमेंगे। देखो कितनी बड़ी जगह है दादू ये। कितना बड़ा कॉलेज है, प्रिंसिपल रूम। कार्यालय मतलब दादू ऑफिस, ये दादू का ऑफिस है, देखो प्रिंसिपल हो। अस्त व्यस्त हो गया है ये। आप प्रिंसिपल हो? नहीं तो क्लर्क। क्लर्क देखो, देखो गाइस कितना बढ़िया यहाँ से दिख रहा है ऐसे, मतलब यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ऐसा, मतलब यहाँ की घास है थोड़ी बढ़ रखी है ना दादू। हाँ। आगे भी है बहुत। चलो चलो दादू, आज भी इधर ही आए थे, आज भी इधर ही आए थे। हाँ। परीक्षा कक्ष, एग्जामिनेशन रूम। और ये बंद हो गया, इसको खींच लो। क्या कुत्ता बंद हो गया है? डर रहा है। आजा वो अपने आप निकल आएगा। आओ अपना जो फॉरेस्ट जंगल से पानी, ये अंदर बंद हो गया, देखो गाइस। आजा मेरे ख्याल से हम लोग दूर जाए तो निकल जाए। दादू ये निकल नहीं रहा है, चुप गया कहीं पे। देखो गाइस कितना बड़ा गार्डन है, ऐसी चीजें दिल्ली में देखने को कमी मिलती है गाइस। देखो गाइस पूरी तरफ गार्डन ही गार्डन, मतलब गार्डन का है, मतलब कुछ भी कह सकते, इतना बड़ा। देखो एसी वाला रूम भी है, सब में एसी लगे हैं। ये सब कुछ दादू का ही है, इन्हीं का है दादू का, दादू के कॉलेज का पूरा है ये। कितना बड़ा एरिया है देखो गाइस,
पढ़ने वालों को कॉलेज के अंदर पढ़ने वालों को भी मजा आ रहा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। दादा बताओ ना, बिलासपुर ऐसे ही लग रहा है? बताओ कैसे। बिलासपुर में एक मोड़ ऐसी थी कि हम लोग यहाँ से ऐसे ही करके आते थे, और बिलासपुर में भी एक ऐसे ही थे जहाँ पे गाय खाना खाती थी। हम लोग साइकिलिंग करने रोज आते थे, ऐसे ही लग रहा है बिलासपुर ऐसा। ये पूरा आपका कॉलेज का है? देखो गाइस इतनी आगे तक जा रहा है। देखो रास्ता 3x पे कर रखा है मैंने, बल्कि 6x पर, तब भी इतना आगे आगे दिख रहा है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया, दोनों तरफ चारों तरफ देखो पेड़ ही पेड़। हमारे स्कूल की पुरानी बस है। ओहो इतनी पुरानी बस, देखो गाइस पुरानी बस कितनी पुरानी है ये। बहुत पुरानी है। वो देखो कॉलेज का नाम छपरा। ये भगवान कितनी पुरानी है दादू। हाँ, बहुत पुरानी है ये, इसको सही लग रहे हैं। दादू चलो यहाँ से, डर लग रहा है मेरे को इन ततैयों से। यामी चलो, कितने बढ़िया देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है गाइस। कभी ना दिल्ली में आपको ऐसा सीन तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो गाँव में मिलेगा, जैसे मतलब जैसे आगरा में हो गया, टूंडला में हो गया, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर में भी आगरा, हरियाली हरियाली देखो आप, देखो पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो अब जाके खत्म हुआ है। ये भी कॉलेज की बिल्डिंग है गाइस, हॉस्टल में भी रहते होंगे लोग, अभी भी होंगे। देखो दादी अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है गाइस, अभी भी बहुत बड़ी जगह है। दादू खोल रहे हैं, ये हॉस्टल है गर्ल्स। देखो अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत बचा है डॉगी। ये लास्ट जगह है मतलब। देखो बंदर वो जा रहा है, वो यामी को देखो जिसको बड़ी मस्त सूझ रही है। चले अब हम लोग देख, ठीक है। ओहो गाइस देख रहे हो क्रिएटिविटी, देखो ये देखो बॉटल के अंदर छेद करके वो बनाए हैं। चलो अब हम लोग प्रिया के लिए कुछ देखने के लिए जाएंगे, या फिर जो जहाँ पे जादू चलेंगे वहाँ पे करेंगे। प्रिया तो ना जान खड़ेगी अगर, मतलब क्या ही बोलूँ कितनी बार बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद वैसा लग रहा है। कह रही तुम मेरे घर चलोगे? गाइस ये जगह ना अलग ही है, बहुत खूबसूरत है यार। मैं एक रील बना देती हूँ, काम करती है। मैंने रील भी बना ली है गाइस, अब हम लोग चलते हैं प्रिया के लिए कुछ लेने। गाइस अब प्रिया के लिए हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। चलो ठीक है, यमी के लिए भी ले लेंगे और घर जाके फिर मम्मी की तरफ से पैसे दे देंगे। चलो हम लोग चलते हैं दुकान पे, जाके आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग चाउमीन खाएंगे, खाने के बाद प्रिया के पास लेकर चलते हैं, प्रिया के लिए गिफ्ट लेने। गाइस बताओ अगर ये सीन देखा हो तो, ये रहा वो पूरा। हाँ
ऊपर बैठी है और बैठी ये देख रहे हो गाइस, मैं चाउमीन खा लिया है। अब हम लोग प्रिया के लिए कुछ लेने चलते हैं। ये जहाँ पे भी जाएंगे देखो प्रिया के लिए तो कुछ लेंगे ही लेंगे। देखो ज़्यादा छूट नहीं करूँगी क्योंकि बैटरी भी लो है एंड लोग भी बहुत सारे हैं तो चोरी हो सकता है। प्रिया के लिए गिफ्ट मैंने जो आपको दिखाया वो मैंने ले लिया है। मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी, ठीक है बाय। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, जैसे कि आप सबको पता है, पता नहीं होगा तो बता दिया मैंने आपको। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ यम्मी तुमने जो ब्लॉगिंग करी। सो गाइस सुनो मेरी बात, आप वो देखो गंदे मुंह वाले अंकल। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग वहां से आ चुके हैं प्रिया के लिए, जो हमने लिया है वो भी वही है गाइस। प्रिया के लिए जो हमने लिया है वो वही है गाइस। तो जाके उसको देंगे हम लोग और उसके लिए व्लॉग अलग बनाएंगे। और दे दो मुझे उसके लिए नंबर वाला। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। 8 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, बाय।